राजधानी दिल्ली होने के साथ साथ एक प्रमुख महानगर भी है, जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देश का केंद्र है। हालांकि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में रेप और मर्डर के मामलों में खतरनाक रूप से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो न केवल दिल्ली वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। इस बढ़ते अपराध का कारण, उसकी जड़ें और इसके समाधान की दिशा में उठाए गए कदमों पर गहराई से विचार करना आवश्यक है। यूपी राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध, खासकर रेप और मर्डर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। यह स्थिति राजधानी के सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर सवाल उठाती है। दिल्ली को पहले ही रेप कैपिटल के नाम से बदनाम किया जा चुका है और इस बदनामी से उभरने के लिए अभी भी ठोस प्रयास की आवश्यकता है। दिल्ली में रेप के कुछ मामले, जैसे 2012 का निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना ने न केवल देशव्यापी प्रदर्शन और कानून में बदलाव की मांग को जन्म दिया, बल्कि महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई। हालांकि इसके बावजूद दिल्ली में ऐसे अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में कई हाई प्रोफाइल केस सामने आए हैं, जिनमें नाबालिग लड़कियों के साथ रेप और मर्डर शामिल हैं। दिल्ली में अपराधों के बढ़ने का एक प्रमुख कारण कानून व्यवस्था की कमजोरी मानी जाती है। कई मामलों में अपराधियों को जल्द सजा नहीं मिलती और न्याय प्रक्रिया में देरी होती है, जिससे अपराधियों को कानून का डर नहीं रहता और वो आसानी से ऐसे अपराधों को अंजाम देते रहते हैं। दिल्ली में शराब और नशे का सेवन बड़े पैमाने पर हो रहा है, जो अपराधों को बढ़ाने का एक प्रमुख कारण है। नशे की हालत में कई अपराधी रेप और मर्डर जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देते हैं। हमारे समाज में महिलाओं के प्रति अभी भी बहुत सारी रूढ़िवादी और नकारात्मक धारणाएं हैं। लड़की और महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, जिससे उनके खिलाफ हिंसा और अपराधों को अंजाम देना अपराधियों के लिए आसान हो जाता है। दिल्ली पुलिस और सरकार अपराधों को रोकने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कई मामलों में वो असफल साबित हो रही है। कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे कि दिल्ली में अपराधों को रोकने के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इससे निगरानी में मदद मिलती है और अपराधियों को पकड़ने में आसानी। निर्भया कांड के बाद दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया गया है। इसका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को तेज करना और पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाना है। दिल्ली में महिला सुरक्षा के कई मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसके माध्यम से महिलाएं इमरजेंसी स्थिति में मदद मांग सकती हैं। हालांकि इन कदमों के बावजूद भी स्थिति में कोई बड़ी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। अपराधियों के दिलों में अभी भी कानून का डर नहीं बैठा है और उन्हें आसानी से बच निकलने का मौका मिल जाता है। रेप और मर्डर जैसी घटनाओं को रोकने में समाज और परिवार की अहम भूमिका है। समाज में महिलाओं और बच्चों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए और इसके लिए परिवारों में नैतिक शिक्षा का विकास जरूरी है। बच्चों को बचपन से ही महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। इसके अलावा माता पिता को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, खासकर किशोर अवस्था में, जब वो गलत संगति में पड़ सकते हैं। नशे और आपराधिक गतिविधियों से दूर रखने के लिए बच्चों को सही मार्गदर्शन देना जरूरी है। रेप और मर्डर जैसे अपराधों पर नियंत्रण के लिए कठोर कानूनों की आवश्यकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले और समाज में कानून का डर बने। पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को ज़्यादा प्रशिक्षित और सशक्त करना जरूरी है, ताकि वो तेजी से और प्रभावी ढंग से अपराधों पर नियंत्रण कर सके। समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाना जरूरी है। इसके लिए शिक्षा, जागरूकता अभियान और सामाजिक सुधार कार्यक्रमों की भी आवश्यकता है, ताकि लोग महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें। दिल्ली में रेप और मर्डर के मामलों की बढ़ोतरी एक गंभीर समस्या है, जिसे सिर्फ कानून और सरकार के बल पर नहीं सुलझाया जा सकता। इसके लिए समाज, परिवार, व्यक्तिगत स्तर पर भी जिम्मेदारी उठानी होगी। जागरूकता, सुरक्षा और सख्त कानूनों के जरिए ही हम एक सुरक्षित और सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं।